Hey guys, once again welcome back to my channel, welcome back to my blog. तो कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. सो आज यहाँ से हो रहा है हमारे ब्लॉग का स्टार्टिंग और आज का मौसम काफ़ी मस्त है. आप लोगों को दिख रहा होगा हवा जो चल रही है, तो इस साइड का मौसम अगर उतना हवा नहीं भी चलता है फिर भी काफ़ी ज़्यादा मेरा हवा लगता है क्योंकि मेरे घर के सामने नहीं आ रही. सिर्फ आपको मैदान दिखेंगे, खेत जिसमें फसल वसल सब फसल उगाते हैं किसान लोग, और पीछे जो आपको पेंटिंग दिख रहा है मेरा क्यों है, सॉरी मेरा क्यों नहीं है, मेहंदी दी ने बनाया था उसे, तो काफ़ी खूबसूरत बैकग्राउंड दे रही है वो भी. तो मौसम आज का काफ़ी मस्त है, तो चलते हैं इसी के साथ. हम लोग अभी जाना मार्केट, मुझे जाना मार्केट बैंक में थोड़ा बहुत काम है, तो चलते वो काम को ख़त्म करते हैं और फिर वो काम ख़त्म करने के बाद पहले बैंक का काम ख़त्म कर लेंगे, फिर उधर से जाएंगे वही अपना जो पुराना सा प्लेस है जिधर हम लोग की रील्स की शूटिंग रील्स का शूट होता है उधर ही जाएंगे. थोड़ा बहुत रील्स भी बनाएंगे आज, और मौसम काफ़ी मस्त है तो आज मन कर रहा है कुछ बाहर निकलने का, तो चलते हैं और उधर ही थोड़ा इन्जॉय करेंगे फ्रेंड लोग के साथ. देखिए एक दो फ्रेंड है बस, हाँ तो उन्हीं लोग के साथ तो चलते हैं. और बाद बाकी हम एक बार आपको दिखाते हैं कि अभी हमारे घर के साइड कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ है, तो चलिए फ्रंट कैमरा पर दिखाते हैं. सो गाइस अभी कुछ ऐसा नज़ारा है घर के सामने का, देख सकते हैं कितना काफ़ी गहरा लग रहा है. और ये जो हवा भी चल रहा है, तो हवा जो भी चल रहा है ना, तो ये नीचे पानी है ऊपर से हवा आ रहा है, तो हवा तो काफ़ी ठंडा है अभी क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा है, पर धूप भी रहता है फिर भी हवा काफ़ी ठंडा आती है क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है, तो हवा बस वही रीज़न है कि हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडा नहीं लग रहा है, तो गर्मी लगने वाली कोई बात नहीं है. मौसम काफ़ी प्यारा है अभी. और बाद बाकी आप लोग देखो नीचे सामने का दरवाज़ा है और इधर से ही बस घर के ठीक सामने से अगर हम लोग कॉर्नर पर उधर खड़े भी होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मछली दिखाई देती है. अभी नहीं दिखाई सब कहीं घूम रही होगी. और बहुत सारे लोग हैं जो जाल लगाते हैं या फिर जो जैसे ही पकड़ा जाता है मछली को पकड़ रहे हैं, निकलते इधर से. चलिए आगे दिखाते हैं आपको, तो आप निकलते इधर से और चलते हैं रास्ते में, आप लोग को रास्ते कुछ थोड़ा बहुत दिखाएंगे. ओके तो चलिए फिर बढ़ते इधर आगे. तो अभी घर से निकल चुके हैं और चलिए फिर तो चलते हैं आगे इधर से, तो बने रहिए ब्लॉग में. और आगे का ब्लॉग क्या कुछ होने वाला है वो आपको आगे पता चलेगा, आगे दिखेगा, तो चलिए फिर. और लालगंज का रोड काफ़ी ख़राब होने के कारण हर थोड़ी थोड़ी देर पे जाम लग जाता है, तो अभी वही इशू भी हो रहा है. और आई होप कि रोड का जो कंडीशन है वो काफ़ी जल्द ठीक हो जाएगा. और ख़राब होने का भी रीज़न ये है कि बारिश इतना ज़्यादा हुआ था इधर कि हाँ बारिश ज़्यादा होने के कारण ही गाड़ी चलते रहा, बारिश होते रहा, तो उसी आवर में रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई. इधर का तो थोड़ा बहुत ठीक भी है, आप तिमपुलवा के जब आगे जाओगे तो उधर का तो बन रहा है और ख़राब हो जा रहा है. तो हे गाइस, तो अभी हम लोग जहाँ हैं आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा हम लोग किधर आए हैं अभी. तो कन्हैया का मेरे ब्लॉग में नहीं आने का रीज़न है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रह रहा है, देख सकते इधर क्या कर रखने है, डॉक्टर का बिल बना रहा है. तो अभी इधर इसका ज़्यादा बिजी रहने का रीज़न ये है कि रोशन भैया नहीं है, वो लोग कहीं ट्रिप पे गए हैं अभी, तो इधर का अभी कन्हैया ही संभाल रहा सब, तो इसी कारण ज़्यादा बिजी रह रहा, तो जो भी मेरा ब्लॉग आ रहा है उसमें ये नहीं आ पा रहा है. तो आएंगे, बहुत जल्द आएंगे. कब तक फ्री हो जाओगे? बस 4-5 दिन और हम आ जाएंगे. तो बस 4-5 दिन का है, फिर जो भी जिधर भी हम लोग जाएंगे तो कन्हैया साथ में रहेगा. तो चलिए फिर रीज़न आप लोग को पता चल गया होगा क्योंकि पिछले ब्लॉग में कुछ कमेंट आया था जिसमें ये पूछा गया था कि हाँ कन्हैया आपके साथ में नहीं आ रहा मतलब ब्लॉग में, तो क्या रीज़न, उसको भी ले लिया कीजिए, तो यही रीज़न था. तो
चलिए फिर मिलते हैं। तो हमारा बैंक अकाउंट कम्प्लीट हो चुका है, तो चलते हैं। और बहुत दिनों बाद, इससे पहले तो काफ़ी बार खाए थे इधर का बिरयानी, तो चलते हैं। और कोलकाता बिरयानी इधर हम लोग लालगंज में पहली बार कोई बिरयानी लेके आया था, और कुछ बढ़िया टेस्ट में तो यही लेके आए थे कोलकाता बिरयानी वाले, तो इनका टेस्ट अच्छा रहता है, ज़्यादा मसाला वाला नहीं रहता है। तो चलिए फिर दिखाते हैं आप लोग को और करते ट्राई। तो यही बिरयानी जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं इधर का आज। सो गाइस, यही है हमारी बिरयानी और साथ में रायता है, और इधर प्याज देख सकते हैं। और मैं जब भी डराता हूँ तो हम इनको पहले से बता देते हैं कि हाँ लेग पीस मेरे को चाहिए, तो ये लेग पीस है। तो चलिए फिर, और इसके साथ में एक आलू, तो चलते हैं ट्राई करते हैं। और बार बार की आपको ये कलर देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका टेस्ट कैसा होगा। एज यूजुअल गाइस, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है और मसाला भी काफ़ी कम रहता है, इसलिए आप अगर इसे ज़्यादा अगर खाते भी हो तो उतना नुकसान नहीं करता है, तो काफ़ी बढ़िया है टेस्ट। तो चलिए फिर करते हैं बिरयानी इंतजार, फिर मिलता है। ये इधर लोकेशन सामने का कोलकाता बिरयानी का, जो कि यहाँ से फ्रंट सामने है तिम्पलवा चौक, उससे आपको थोड़ी पहले अगरपुर में ये पड़ता है। और होम डिलीवरी का भी ऑप्शन है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप लोग को आप इधर से अगर बिलोंग करते हो तो यहाँ का ट्राई करो, बिरयानी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर चलते आगे। हे गाइस, तो फिर से हम लोग आ चुके हैं अपना रील्स की शूट के लिए, और साथ में सर विक्की है, और इधर सुम। कितना रिक्वेस्ट करने के बाद ही आया आप मालूम है, जब से रील बनाने का स्टार्ट किया मेरा राजन भाई, तब से इसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई आओ। और भाई ये पहला ब्लॉग है जिसमें सुबह आया है, और स्टार्टिंग में जब हमारा चैनल का स्टार्टअप हुआ था तो उस टाइम काफ़ी सपोर्ट था विक्की का भी और शुभम भाई का भी, तो काफ़ी सपोर्ट था। और तो फाइनली गाइस, बहुत दिनों के बाद पहली बार शुभम आया हम लोग के ब्लॉग में। तो चलिए फिर करते हैं अपना रील्स का शूट स्टार्ट। और मौसम भी काफ़ी बढ़िया, आप लोग देख सकते हो इधर चारों तरफ पानी है, अभी तो हम लोग के साइड बिहार में चारों तरफ पानी ही पानी है, उधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी है, चारों जगह पानी हो चुका, अभी फिलहाल बारिश हो रही है। हे गाइस, तो हमारी रील्स की शूट कंप्लीट हो गई, और शूट करते करते काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया, और पीछे बिच्चे स्टंट मार रहा है, तो कंप्लीट हो गया ना विक्की साहब। और जो हमने रील्स बनाया, एक रील्स हम ऐड करेंगे इसमें, और बाद बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा इंस्टा का, आप लोग जाओ वहाँ पे फॉलो करो और जाइए वहाँ पे रील्स देखिए, और जो भी कुछ अपडेट है वो आपको वहाँ से मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अरे कुछ बोल दो शुभम। तो चलिए फिर मिलते हैं, बारिश हो रहा है, देख सकते हैं गाड़ी पे पानी आ चुका, समझ रहे होंगे।